मैं हूं अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना के साथ मौसम की मार, मध्य प्रदेश में कई जगह येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मंत्री दत्तीगांव का ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण, कहा नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। और 4 दिन पहले गायब हुए युवक की तलाश में जुटे गोताखोर और पुलिस पर परिजनों ने लगाया आरोप। मनावर के सिंघाना में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर के वरिष्ठ नेताओं ने धार जिला प्रभारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राजवर्धन सिंह जी से सिंघाना को तहसील थप्पा बनाने की मांग की। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में जो कमी है उसके लिए भी मंत्री को अवगत कराया गया। जिला प्रभारी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव ने स्वास्थ्य विभाग में जाकर पूरा हाल जाना। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक वैक्सीन के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, और इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान अशोक राठौर, मनोहर लाला, मगन सिंह भाटिया, एडवोकेट सादिक मंसूरी, सतपुड़ा देवराम पाटीदार और अन्य कई नेताजन उपस्थित रहे। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले एक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ अचानक घर से गायब हो गया था, जिसके बाद परिजन कई दिनों से युवक की तलाश कर रहे थे। परिजनों ने इसकी शिकायत गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में की तो पुलिस हरकत में आई। काफी तलाशने और जांचने के बाद दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। फिलहाल इंस्पेक्टर गढ़मुक्तेश्वर का ऐसा कहना है कि कपड़े, बाइक और मोबाइल बरामद हो गया है। गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में 2 दिनों से युवक की तलाश की जा रही है। शव बरामद होने के बाद ही सही स्थिति का पता चल सकेगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही, जबकि 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 2 दिन से गोताखोर, पुलिस और परिजन गंगा नदी में गायब हुए युवक के शव को तलाश रहे हैं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। परिजनों ने पुलिस हिरासत में हैं जो दोनों युवक, उनके खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। बावजूद इसके पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही, बल्कि परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन दोनों को बचाने का प्रयास कर रही है। राव विधानसभा में ऑक्सीजन मशीन की सौगात आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा ने दी। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को ये सौगात दी। वर्मा ने 31 ऑक्सीजन मशीन का वितरण किया। इस दौरान तुलसीराम सिलावट, पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे उपस्थित रहे। इस मामले में तुलसी सिलावट ने बताया कि इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले कई मौतें हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधरते जा रहे हैं। कल पितृ पर्वत पर कैलाश विजयवर्गीय ने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क बांटे थे, और आज मधु वर्मा ने 31 ऑक्सीजन मशीन राव विधानसभा क्षेत्र में दी है, जिसका इस क्षेत्र में काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसी मामले में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले जैसे हालात ना बने, इसलिए मशीनें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मशीनें कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में 25 और ऑक्सीजन मशीनें मंगवाई जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिवराज जी ने पत्रकारों के इलाज में जो राहत राशि दी है, निराश्रित बच्चों को शिक्षा के लिए जो पेंशन दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे मित्र हैं जिन्होंने समय समय पे मेरे को खूब मदद भी करते हैं, आज भी उन्होंने मदद करी, जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आने वाले समय भी 25 मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, मैंने स्वयं भी करता हूँ। मेरे मित्र लोगों को भी मैं इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनने प्रेस के जो साथी लोग हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ हमेशा जैसे हम लोग लड़ रहे हैं उस तरह आप लोग भी शहर की जो छोटी छोटी बातें हैं या जो भी इस तरह की समस्या है उसको आप उठाते हैं और हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने जो इलाज के लिए घोषणा करी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी सही समय पे ये निर्णय लिया, क्योंकि कई बार हमें लगता था कि हमारे प्रेस के साथी भी इतने मजबूत नहीं है कि बड़े अस्पताल में इलाज करा लें। आज ईश्वर की दया से वो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। मेरे छोटे से छोटे पत्रकार साथी का मैं अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हम इलाज करा सकेंगे, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस तरह के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से इंदौर शहर में ऑक्सीजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसकी आपूर्ति भी काफ़ी हद तक की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कल ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध कराई, आज मधु वर्मा जी ने ऐसा कराया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये आप जानते हो, कल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी की जन्मदिन जिन के ऊपर 200 ऑक्सीजन कंटेनर दिए गए थे, आज मधु वर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राउंड से चुनाव लड़े थे, मैं उनके इस संकट में, इस महामारी में, इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि एक हमारे जो जिसको आज इसकी आवश्यकता है, वो परिवार में जो मरीज है उसको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है और निरंतर कुछ दिनों से जो 24 घंटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, रेमडेसिविर के लिए जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि ऑक्सीजन। भारतीय जनता पार्टी के मंडल तराना के पूर्व अध्यक्ष राजेश कलोट का निधन कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हो गया। उनकी स्मृति में राजेश कलोट मित्र मंडल ने फ्रंटलाइन वर्कर नगर निगम सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट का वितरण किया। मालवा प्रांत कार्यवाह श्री शंभु प्रसाद गिरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मदन चौहान, तहसीलदार डी के वर्मा की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर राजेश कलोट के चित्र पर अतिथियों ने पुष्प सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर श्री गिरी ने राजेश पलोट के निधन को नगर की बहुत बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि राजेश पलोट एक सेवा भावी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके मन में सदैव छोटों के प्रति प्रेम, बड़े लोगों के लिए आदर और सेवा का भाव होता था। वो हमेशा ही किसी भी कार्य के लिए या समाज सेवा के लिए या कोई भी राजनीतिक कार्य के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। आज हमने एक सेवा भावी स्वयंसेवक नेता और एक अच्छा मित्र खोया है। हम उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को कभी नहीं भूल सकते हैं। इस अवसर पर राजेश पलोट मित्र मंडल के बबलू विनोद सहित कई नागरिक और मित्रजन, नगर परिषद कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी सचिन बोढ़ाना ने दी। वास्तव में हमारा देश जिस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें आज जो है नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी बंधु है, वो इस बीमारी को समाप्त करने में उनका एक अहम योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। वो अपने जीवन को दांव पे लगा करके नगर को सुरक्षित करके इस बीमारी को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान करना ही चाहिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज श्री राजेश जी पलोड़ जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी स्मृति में उनके सम्मान का ये कार्यक्रम करके, वास्तव में नगर से ही नहीं बल्कि जिले से और हमारे देश से यह महामारी समाप्त हो, इसलिए उनके लगातार प्रयास को प्रणाम करते हुए उनका सम्मान करके इस बीमारी से निजात दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। देश में कई जगह चक्रवर्ती तूफान की आशंका जताई गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश के आसार बताए गए। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के इंदौर और भोपाल समेत 4 संभागों के अलावा जबलपुर, ग्वालियर समेत 12 जिलों में बारिश होगी। बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में भी बारिश होगी। यहां पर हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।